हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नीलकमल रेसिपी में आपका खूब खूब स्वागत है। आज मैंने भरमा हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाई है और ये इतनी चटपटी और इतनी टेस्टी बनी है कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इसको मैंने कैसे बनाया है, चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। सबसे पहले मैंने हरी मिर्च ली है और इनको मैंने धुल के साफ़ कर लिया है। इस समय मार्केट में बहुत हरी मिर्च आ रही है और इसको बीज से मैंने कट लगाया है। कट लगाने के बाद इसमें एक्स्ट्रा बीज निकाल देंगे। वैसे इन मिर्चों में ज़्यादा बीज है नहीं, तो ज़्यादा बीज निकालने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। देखिए, मैंने सारी मिर्चों में इस तरह से कट लगाया है। अब मिर्च में भरने का मैं मसाला बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी चने का सत्तू लिया है। इसमें फिर मैंने एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, एक चम्मच पिसी हुई हरी सौंफ, आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी हींग डाली है। फिर इसमें मैंने एक चौथाई चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च भी ऐड की है। और इसमें खटाई के लिए मैंने एक कच्चा आम लिया है जिसको मैंने कद्दूकस किया है। कच्चे आम का टेस्ट हरी मिर्च में बहुत अच्छा लगता है और एकदम चटपटी खट्टी हरी मिर्च बनती है इससे। आम को घिसने के बाद इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसको सारे मसाले को मिक्स किया है। चने का सत्तू वैसे ही भुने हुए चनों का होता है, इसलिए इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है। देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया मिर्च में भरने का और इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब मैं मिर्च में इस मसाले को भरूंगी। मसाले को मिर्च में हाथ से भरेंगे और इस तरह से भरेंगे कि मसाला बाहर ना निकले। वैसे भी इसमें सरसों का तेल मिला हुआ है तो ये मसाला इतना बिखरा हुआ नहीं बना है, ये आराम से मिर्च में भर गया है। देखिए, इस तरह से मिर्च में मसाला भर गया है। ऐसे ही हम सारी मिर्च में मसाला भर लेंगे। देखिए, सारी मिर्च में मसाला भर के तैयार हो गया है। अब इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म होने पर मैंने एक चुटकी हींग और आधा चम्मच जीरा डाला है। जीरा भुनने के बाद इसमें एक एक करके मिर्च डालेंगे। और थोड़ा सा इनको चला देंगे। इसके बाद इनको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद मिर्च को एक फोक की सहायता से पलट देंगे। देखिए, थोड़ी थोड़ी ये सिकने लगी हैं। मिर्च बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मिर्च को बनने में। मिर्च को पलटने के बाद फिर हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे मिर्च जो है
दूसरी साइड में भी सिक जाए। देखिए मिर्च दोनों साइड से सिक गई। इसके बाद इसमें मैं एक चम्मच चाट मसाला डाल दूँगी। चाट मसाले से इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। फिर इसको एक मिनट के लिए मैंने और ढक दिया है और एक मिनट बाद देखिए मिर्च तैयार हो गई है। देखिए हमारी मिर्च की सब्ज़ी तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है और ये बिल्कुल अचार की तरह बनी है। आप इसको 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगी। और इसको आप दाल चावल खिचड़ी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।